गृहमंत्री जिस तरीके से जम्मू आए हैं और राजौरी और बारामूला के अंदर उनकी दो रैलीज हुई, जो बातें उन्होंने कही, क्या लगता है जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी खास बातें उन्होंने कही हैं? कुछ बड़ा बदलाव होगा उनके इस रैलीज के बाद जो उन्होंने बातें कही? नहीं, क्या कहा उन्होंने? जो जैसे सबसे पहले बड़ी बात बदलाव उन्होंने कही है, वाली दिया क्यों नहीं? आए थे, देखे जाना था ना। मुझे बताओ, जब पल्ले चीज है तो देते क्या ऐतराज है? बेसिकली प्रेशर था, दाएं बाएं भी नहीं। उनको कुछ पता नहीं होता, जम्मू कश्मीर की बीजेपी समझो ऐसे ही भांडे में डाली हुई है। इनको कुछ पता नहीं होता कि खोना क्या होता है। इनको ये भी पता नहीं था, किसी को पता नहीं था यार, डिमांडेशन हुई है। उन्होंने ये कहा था कि हम राजौरी जाएंगे, विरोध किया जाएगा, देश के गृह मंत्री का विरोध नहीं होगा, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन का विरोध करेंगे। क्राइम बढ़ रहा है, गुंडागर्दी साफ तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों की भी सामने नजर आ रही है। हाल ही में डीजी प्रिजन जो है उनका गला रेत कर जो है हत्या कर दी जाती है। इतना सारा पैसा है गवर्नमेंट कार्यों के लिए खर्च किया जा रहा है, ये लोगों का जो पेंडिंग वेजेस है अभी जो स्थायी करने की मांग कर रहे हैं, तो कितना पैसा लग जाएगा इनको? आपको क्या लगता है ये क्या इतना इम्पॉसिबल कार्य है जो नहीं हो सकता? पैसे का मकसद नहीं होता कि हम किसी को परमानेंट करें, पक्का करें। सरकार की ड्यूटी है राइट टू वर्क, काम देना, उसको काम का पैसा देना। लेकिन सवाल है कि हमने लोगों को जब अपने हाथ काट के दे देते हैं ना, हमारे लोग, तो फिर कार की दिए भी किसको है जो आपके हाथ काटने का तमाशा देख रहे हैं? हमें 60,000 आप करो, मैं 1 लाख बंदा मैं दूंगा। आओ जम्मू बैठते हैं, किस जगह बैठना, आ जाओ, मुझे 60,000 चाहिए, 1 लाख मैं प्रॉमिस करता हूं। जाएंगे वापस उस दिन, ये कहते बसें रोकनी है। क्या बात करते हैं, हम उतनी गिनती करेंगे जितने ये लोग हैं, टोटल हैं कि होले होले करते हैं, नाचते हैं, इस तरीके से डांस होते हैं। यहाँ के महाराजा के सामने, महाराजा के सामने डोगरा नाच रहा है, उसको अफसोस लग रहा था यार, कम से कम डोगरों में ये रीति रिवाज नहीं थे है। और ये इस किस्म की हालत है लोगों की, क्या किया जाए? गृहमंत्री देश के जम्मू कश्मीर का दौरा कर वापस लौट चुके हैं, दो जनसभाएं उन्होंने संबोधित करी, उनमें कई बातें कही और उन्होंने ये बड़ी बातें कही कि कहा कि जैसे ही वोटर लिस्ट का जो कार्य चल रहा है जैसे ही वो संपन्न होगा उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव जो है वो करवाए जाएंगे, राज्य का दर्जा जो है उसे वो भी दिया जाएगा। लेकिन दोहरा स्वाभिमान संगठन की बात करें, ज्योति लाल सिंह जी मेरे साथ हैं, घोषणा पत्र जारी किया गया है, कुछ अहम बातें जम्मू कश्मीर के, जम्मू खासकर जम्मू के लोगों के लिए जो है उस घोषणा पत्र में लिखी गई है। इनका ग्राफ जिस तरीके से रहा, पॉलिटिकल कैरियर जिस तरीके से रहा, वो आप सभी के सामने है। और आज जब घोषणा पत्र जारी किया गया, क्योंकि सारी पार्टी इस समय इलेक्शन मोड में नजर आ रही है, इसी वजह से शायद देश के गृहमंत्री भी जम्मू का दौरा कर चुके हैं और दो बड़ी रैली को उन्होंने संबोधन किया है, क्योंकि इलेक्शन हो सकते हैं यही कयास लगाया जा रहा है और राजनीतिक विशेषज्ञ भी यही कह रहे हैं। तो इस समय साथ बातचीत करते हैं, तो स्वागत है बाहु एक्सप्रेस पर। धन्यवाद, शुक्रिया। सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, देश के गृहमंत्री जिस तरीके से जम्मू आए हैं और राजौरी और बारामूला के अंदर उनकी दो रैलीज हुई, जो बातें उन्होंने कही, क्या लगता है जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी खास बातें उन्होंने कही हैं? कुछ बड़ा बदलाव होगा उनके इस रैलीज के बाद जो उन्होंने बातें कही? नहीं, क्या कहा उन्होंने? जो जैसे सबसे पहले बड़ी बात उन्होंने कही है बदलाव वाली पहाड़ियों को लेकर, उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन काम चल रहा है, उसमें एक जो कमीशन बनाया गया था उसमें उन्होंने रिकमेंड किया है हम एडमिनिस्ट्रेशन कार्य के बाद जो है पहाड़ी का दर्जा जो है ने दे दिया जाएगा पहाड़ियों को। दिया क्यों नहीं? आए थे, देखे जाना था ना। मुझे बताओ, जब पल्ले चीज है तो देते क्या ऐतराज है? बेसिकली प्रेशर था, दाएं बाएं भी नहीं। और ये पहाड़ी और गुजरों में पंगा बना हुआ है और है पुंछ और जोरी में सिर्फ। पहले मुझे बताओ, मैंने तो अपनी घोषणा पत्र में बड़ा क्लियर लिखा, पहाड़ी होता कौन है? पुंछ और जोरी में रहने वाला, बारामूला रहने वाला, उड़ी करनाल में रहने वाला, यही पहाड़ी है। अगर ये पहाड़ी है तो जनाब को कहना चाहूंगा मैं कि वो जो लोग पहाड़ी क्षेत्रों के सभी निवासी पहाड़ी होते हैं, एक पहाड़ियों में भी पहाड़ी कौन सा ढूंढ रहा है, एक कौन सी बात आ गई? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही बेड़ा गर्क था। जब चंद्रशेखर गवर्नमेंट ने गुजरों को दे दी ना स्टेटस, तो स्टेटस पहाड़ में गुजर रहने वाले को थोड़ी दिया है, गुजर भी कितने, क्या बात करते हैं, मैं हैरान होता हूं कि आप पहाड़ में रहने वाले गुजर को मिली है स्टेटस, तो फिर कुटुआ में रह रहे हो क्यों ले रहे हो? वो तो प्लेन लक है, अरसपुरा का गुजर नहीं ले रहा क्या? तो जब ये नीचे वाले एरिया गुजर कहीं है उसको ट्राइब दिया गया। बेसिकली जो इनका पेशा था वो मोबाइल था, यहां एक बार जाना, ऊपर ऊपर से फिर नीचे आना, ये था। और जो दो सेटल हो चुके वो भी ट्राइब में गया।
प्राइम में कौन होता? अब बताइए, एक बड़ा आदमी कमिश्नर सेक्रेटरी, बड़ा डीसी, बड़ा एडीजी, बड़ा अफसर फॉरेस्ट का, वो अभी भी ट्राइब है। ट्राइब कौन होता है? पिछड़ा, और पिछड़ा। जब वो अगड़ा अगड़ा हो गया, इतना अगड़ा कि अभी भी उसको स्टेटस मिलना चाहिए। क्या स्टेटस उन गुजरों को मिलना चाहिए जो सिर पे गोबर उठाया होती सुबह 4 बजे उठते हैं, रात को 11-12 बजे तक सोते नहीं है बेचारे। जानवर को इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, उनको बोलते हैं स्टेटस के हकदार। तो मैं कन्विंस नहीं हूं इस पे। मैं बसोली के पहाड़ियों को कहना चाहूंगा, मैं बिलावर के पहाड़ियों को कहना चाहूंगा, मैं बनी के पहाड़ियों को कहना चाहूंगा, मैं उसके किश्तवाड़ के डोडा भद्रवा और यहाँ चिनैनी के पहाड़ियों का डूडू बसंतगढ़ के पहाड़ियों को, लाठी तुना वाले को पहाड़ी है, ये पहाड़ी ठेर पहाड़ी लोग हैं, या रामनगर के पहाड़ी है, आपका गली बटोली चले जाए, आप सुरजनधार में चले जाए, आप यहाँ इस एरिया में खनेड़ में चले जाए, लोहा नाठी किडली बुद्ध उतर दरंगल तक तमान सुरजन चौक में चले जाए, और आप गंधारी संसारी इश्तियारी त्यारी कब्र में चले जाए, मुझे बताओ पहाड़ के इंछन में चले जाए, माड़वा भाड़वन दक्षिण में चले जाए, इनको क्या समझते? ये पहाड़ी नहीं है, ना रास्ते है, ना इनको स्कूल है। अगर स्कूल है तो टीचर नहीं है, स्टाफ पूरा नहीं है, हॉस्पिटल है तो कहीं स्टाफ नहीं है, नाम नाम का सब कुछ है, कुछ नहीं होंगे भले। कनेक्टिविटी बिल्कुल जीरो पे है, बिजली बिल्कुल जीरो पे है, झूठ बोलते हैं, सबको बिजली लगा दी, हम जानते हैं बिजली कहाँ नहीं लगी। ये जा ही नहीं सकते, इनको गांव में जाके दिखाओ, पता लगेगी। एक रात काटा है अफसर, फाइनेंस मिनिस्टर को मैंने कहा था एक बार, आई वॉज MP, मैंने कहा फाइनेंस मिनिस्टर साहब आप पैसे भेजते हो, एक रात मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मैं आपको एक रात एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कटाना, एक रात काट के वापस आना, सुबह आप मुझे बताना आपको सड़क का पता लग गया, जाती दफा आती दफा लग जाएगा, आप रात काटोगे बिजली कब आई कब चलेगी आपको समझ आ जाएगी, आपको पूरी समझ आ जाएगी कि यहाँ आपको कितनी बार मच्छर ने काटा, लोगों की हालत क्या बनी। आप मेरे से रात काटो, जो पैसे दिए आपको तरस आ गया, मेरे पैसे गेगा, गांव में कुछ नहीं है। मैं कहता हूं पहाड़ी सारे पहाड़ी हैं, सबको पहाड़ियों को पहाड़ी स्टेटस मिलना चाहिए, ये लड़ाई खत्म होनी चाहिए, सीधी सी बात है, और ये लड़ाई पुंछ रजौरी तक नहीं रहेगी, सारी पहाड़ियों तक रहेगी। ये और कॉन्फ्लिक्ट जो बीच में नजर आ रहा है, जैसे गुरु बकरवाल और पहाड़ी जो है आमने सामने, नाराजगी जो है वो एससी समुदाय के लोग जो है वो साफ तौर पर प्रकट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा जो कोटा है उसको जो है इस तरीके से डिवाइड करने की बात कही जा रही है। शायद यही डर है जिस वजह से ये अभी कहा गया है कि हम दे देंगे, अभी रिकमेंडेशन किए हैं, वो रिकमेंडेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव काम चल रहा है, जब वो पूरा होगा तो उसे अनाउंस कर दिया जाएगा। यानी कि अनाउंसमेंट पहले भाजपा के अध्यक्ष ये पूरी तरह से चैनल पर जाते हैं, वो कहते हैं कि आप मिल जाएगा अनाउंस होने वाला है, उनको कुछ पता नहीं होता। जम्मू कश्मीर की बीजेपी समझो ऐसे ही पांडे में डाली हुई है, इनको कुछ पता नहीं होता कि खोना क्या होता है। इनको ये भी पता नहीं था, किसी को पता नहीं था यार डिमांडेशन होनी है, इनको किसी को पता नहीं था कि जहां ये सरकार हमारी दो हिस्से हो जाने बाइफर्केशन, किसी को खबर तक नहीं, ये सिर्फ हुई तो बर्फी लेके आए थे, हमने ये किया हमने ये किया, इनको ये भी नहीं पता था कि छुट्टी जो है देनी, अगर देनी तो इनके एजेंडे में क्यों नहीं थी। तो कहने का मकसद है खाम खा आप लोग भरोसा करते, एक पार्टी भरोसे लाके उस पर कर नहीं रहे आप लोग, और जिसने आपको एक मिनिस्ट्री करके दिखाई उस पर कर ही नहीं रहे आप लोग। तो सर एक चीज हो जाना चाहूंगा आपसे, देश के गृहमंत्री जब जम्मू आए तो उनके बाद क्योंकि ये पब्लिक का एड्रेस था उनका और तमाम लीडरशिप उनके साथ थी, पीएमओ जो मिनिस्टर हमारे जितेंद्र सिंह जी वो उनके साथ थे, यहाँ की पूरी लीडरशिप उनके साथ थी, एमपी यहाँ के उनके साथ थे, उन्होंने साथ करा उसके साथ होम मिनिस्टर मीटिंग्स जो नहीं जाएंगे मीटिंग्स जो उनके साथ थी, उन्होंने एक उन्होंने लीडरशिप की मीटिंग की, उन्होंने मंथन किया कि जीतेंगे कैसे इलेक्शन, बिल्कुल उन्होंने जुगल जी उनके साथ थे बारामूला की रैली में वहां पहुंचे थे वो। अब मैं आपसे ये चीज जानना चाहता हूं कि ये चीज मुझे बताएं कि जब उनकी मीटिंग हुई है उस मीटिंग में जो मंथन किया गया है कि हम चुनाव में जीतेंगे कैसे और क्या चीजें हैं, तो यहाँ की लीडरशिप क्या इतनी उनके अंदर ड्रॉबैक्स है, इतनी कमियां हैं कि जो यहाँ की मेन बेसिक नीड्स हैं लोगों की वो उनके समक्ष रख नहीं पा रहे, तस्वीर वो सामने नहीं नजर आ रही है, यहाँ का युवा परेशान है, पिछले 3-2 साल तक कोरोना महामारी के चलते कुछ हो नहीं सका, उसके बाद जैसी चीजें ठीक हुई रिक्रूटमेंट कराएगी उनके अंदर युवाओं को जो है निराशा हाथ लगी, उन्होंने मेहनत करी, मेहनत के बाद पता चला कि उनके ऑफिसर्स जो थे वो करप्ट थे, 10,000 रुपए में पेपर बिक गया, जो एक वर्दी जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है उस पेपर को भेज दिया गया, उससे पहले अब जो चीजें सामने आ रही है कहां जा रहे हैं। एक मिनट, पेपर जो था
छिपाया किसने? बस नंबर। फिर छिपाने के लिए कहा किसने कि उस एजेंसी से छिपाओ? कभी इसको थोड़ा ध्यान से तसल्ली करना, पेपर किन्होंने छिपाया? अब वो बेचा 10 लाख का, 15 लाख का, मुझे बताओ ये जो पेपर मैं आज आपको दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं ना, जब तक मैंने नहीं दिया था आपको पता था क्या? तो ये कैसे हो सकता है कि आप जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, कौन है ये लोग बैठाए हुए, इनका रोल क्या है? भाई दीवे आप उसे एक अफसर को, मुलाजिम को, चपरासी को, किसी और को पकड़ लो, हमारे चोरी इसने कराई, पॉसिबल है? नॉट एट ऑल। क्या लगता है? और हटाने के लिए चाहिए था। अब उन बच्चों का एक तो एक कुछ बच्चों से पैसे खाए, बिल्कुल कहीं से पैसे नहीं खाए, दो बातें हुई। अब उन्होंने जिन्हें पर भर्ती हो जाना था, कारोबार करना था, घर चलना था, शादी होनी थी, उनका कौन जिम्मेवार है? और वो क्रैश कर दिया आपने लिस्ट, क्रैश कर, ईमानदारी दिखाई आपने, आपको जितने बच्चे थे आपको लगा ये पैसे लगे हैं, और जो जितने बच्चे रहे हैं आपको पोस्टिंग दी थी, क्या आपको समझ नहीं आ रही है ये बच्चे क्वालिफाइड ही नहीं है? बच्चे मैक्सिमम क्वालिफाइड थे, मैक्सिमम क्वालिफाइड था, आपकी पोस्टिंग का मोदी करोगे क्या है? जो क्वालिफाइड थे आप एक सिरे से लगते, क्यों नहीं आप कर सके? कितने पैसे लिए उनसे फॉर्म भरने के? करोड़ों मेरे बच्चों का खर्च होता है, फॉर्म की फीस वापस गई उनके घर, आपने उसके खर्चे वापस भेजे? जो उसको टीज किया, उसको तंग किया, उसको आपने उसको किया, रोते गए यहां से लोग, बच्चे रोते गए। अब ये एस्टेंट थे इसके फाइनेंस के, वो तो रोते बिल्कुल नहीं जा रही थी वो लड़की है, डब्बा लेके गए उसके पास, उन्होंने कहा हमारे बच्चे हैं, डब्बा लेके मगर हमारे बच्चे, हाँ इनके बच्चे हैं ना, बच्चे जिनके होते हैं उनको पता होता है, बच्चे ना हो तो ऐसे बच्चे कैसे कहोगे किसी के? जिसका बच्चा खंजल होता है उसको पता होता है बच्चे के क्या हालत है, और लीडरों का काम है हर बच्चे का दर्द समझना, उसकी तकलीफ समझना, और जिन्होंने कसूर किया उसको आप उसको रगड़ोगे नहीं, कसूर वालों को वो तो मजा हो गया, पैसे भी खा गए, बात खत्म होगी ना, दो चार दिन चलिए प्रोग्राम, कहाँ गए प्रोग्राम में? क्या लगता है सीबीआई इतना समय क्यों लगा रही है? उनका कल्पित सामने नहीं नजर आ रहा कि कौन इसमें गुनहगार है इतना समय? क्योंकि ये सवाल सीधा बहुत एक्सप्रेस ने जब एलजी मनोज सिन्हा रविपुरी पे पहुंचे, उन्होंने उद्घाटन किया वहां पे जो फाउंडेशन स्टोन रखा, तो वहां पे सीधा सवाल पूछा गया कि सर युवा जो है वो जानना चाहता है कि आपने तो कह दिया कि नया पेपर हम अक्टूबर में कराने जा रहे हैं, लेकिन अक्टूबर से पहले जो लोग दोषी हैं क्या उनको सामने किया जाएगा? पेपर लेने से पहले वो लोग सामने आएंगे? और जो लोग अक्टूबर की डेट में ओवरे हो जाएंगे उनका क्या होगा? उसके लिए क्यों नहीं कहा? फिर अक्टूबर तो चल रहा है, डेट निकलते कितना टाइम लगता है? ऐसे सिस्टम नहीं है यार, ऐसे ही एक और वर्ग जो था वो इंतजार कर रहा था कि देश के गृह मंत्री के पहुंचते हैं तो हमें शायद कोई बड़ी सौगात मिल सकती है, बात कर रहा हूं। उन्होंने ये कहा था कि हम राजौरी जाएंगे, विरोध किया जाएगा, देश के गृह मंत्री का विरोध नहीं होगा, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेशन का विरोध करेंगे, लेकिन खबरें यह मिली कि एक दिन पहले जब वो लोग कठुआ सांबा वहां से भी बसें लेके निकले तो उन्हें रास्ते में रोक कर अरेस्ट कर लिया गया, उन्हें अंदर कर दिया, कहा कि आप आगे नहीं जा सकते हैं, और जो लोग वहां पहुंचे उन्हें उससे आगे ही जाने नहीं दिया गया, लेकिन हालांकि फिर भी विरोध के नारे लगे, लोगों ने विरोध दिखाया। क्या लगता है 2000 करोड़ से ज्यादा के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स उन्होंने श्रीनगर में शिलान्यास रखा है, जम्मू के अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स का उन्होंने शिलान्यास रखा है, उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल श्रीनगर के अंदर जो है उसके लिए उन्होंने नींव पत्थर रखा है, इतना सारा पैसा है डेवलपमेंट कार्यों के लिए खर्च किया जा रहा है, अच्छी बात है आप डेवलपमेंट कर रहे हैं किसी स्टेट को, किसी एक जगह को, तो अच्छी बात है, लेकिन ये लोगों का जो पेंडिंग वेजेस है अभी जो स्थायी करने की मांग कर रहे हैं तो कितना पैसा लग जाएगा इनको, आपको क्या लगता है ये क्या इतना इम्पॉसिबल कार्य है जो नहीं हो सकता? सुनो मेरी बात, बेईमान है बेसिकली, पैसे का मकसद नहीं होता कि हम किसी को परमानेंट करें, पक्का करें, सरकार की ड्यूटी है राइट टू वर्क, काम देना, उसको काम का पैसा देना, एक कोई बात नहीं है। डेली वेजर को अगर आप दिहाड़ी दे रहे हो आप थोड़े पैसे और दोगे, और मुझे बताओ एक कानूनी तौर पे 7 साल होते हैं, आप कानून पढ़िए, कानून में लिखा है 7 साल जो लगातार काम करेगा उसको हम पक्का करेंगे, एक ये तो 20-25 साल हो गए, कानूनी भी गलती है, हर लिहाज से गलती है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक शिलान्यास का सवाल है उसकी कोई गलती नहीं है, इनका काम है कि इनको परमानेंट करना, लेकिन सवाल है कि हमने लोगों को जब अपने हाथ काट के दे देते हैं ना, हमारे लोग
तो फिर कार के दिए भी किसको है जो आपके हार करने का तमाशा देख रहे हैं? लड़ाई पता होना चाहिए कि वोट डालने हैं, वोट डालने कैसे, किसको डालने, वोट क्यों डालने, वोट फायदा क्या भाई दीपे? अब आपने ए भी डाला, बी भी, ए बी सी सारे दो ने उनको चिता दिए। अब बारी है अगली बात की, जो अगले वोट है। पहले तो आउटसाइडर वोट रोके जाए, सबसे इंपॉर्टेंट है, और यहां नहीं पढ़ने चाहिए। पठानकोट में गए हुए लोग डोमिसाइल बनाने चल रहा है, तो मुझे बताओ ये करना क्या चाहते हैं? हमारी पहचान को खत्म करना चाहते हैं? दिस इज वेरी, मैं कहता हूं नॉनसेंस। आपको लगता है कि भाजपा जो है दोहरा मापदंड अपनाती है तमाम चीजों को लेकर? क्योंकि डेली बेसिस को लेकर जब भी उनके अध्यक्ष या किसी से बातचीत की गई, चाहे मेंबर पार्लियामेंट से बात की गई, उन्होंने ये कहा कि हम इसका हल कर देंगे, बातचीत चल रही है। दूसरी तरफ अध्यक्ष कहते हैं नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पहली कैबिनेट मीटिंग में मोहर लगेगी और सबको पक्का कर दिया जाएगा। यानी कि एक तरफ यह है कि हमारी बातचीत चल रही है और ये चीजें हल होंगी, केंद्र भी हस्तक्षेप अब कर रहा है, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी और हमारा सीएम होगा फिर हम करेंगे। ये दोहरा मापदंड कब तक जनता सहेगी? देखो दोहरा तब तक सहेगी जब तक जनता खुद अपने आप को बेवकूफ बनाए रखेगी। जब जनता अवेयर होगी, कॉन्शियस होगी, समझदार होगी कि हमें चलना किस तरफ है। मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर था, मेरे पास पोस्ट थी 534 में लगा दिए, अभी उन्होंने निकाल दिए थे, दोबारा वो प्रोटेस्ट हुआ वापस चले। मैंने कानून ही लगाए थे, हम अनपढ़ नहीं है, है? और ये अनपढ़ वाली बात करते हैं, कर दिए इन्होंने, काट के पाने निकाल दिए थे, एनएचएम के लोग फिर निकाले थे, फिर वापस किए, फिर कहीं छोड़ दिए। ये बेसिकली इनको पता ही नहीं है सरकार कैसे चलाई जाती, ये बेसिकली अपोजिशन के बंदे थे। और आज भी अपोजिशन वाले ये सहारा है, आज भी वही हाल है, होले होले करते हैं, नाचते हैं, इस तरीके से डांस होते हैं यहाँ के महाराजा के सामने, महाराजा के सामने डोगरा नाच रहा है, उसको अफसोस लग रहा था यार कम से कम डोगरों में ये रीति रिवाज नहीं थे, हैं? और ये इस किस्म की हालत है लोगों की, क्या किया जाएगा? तो अगर ये सारे लोग सहयोग करते हैं हमारी पार्टी का, तो मैं नहीं समझता कि किसी को कोई दिक्कत आ सकती। हम प्रॉमिस करते हैं कि इनके साथ पूरी ईमानदारी के साथ लोगों के साथ सहयोग करेंगे, हम 100% करेंगे। भाजपा लेकिन आश्वस्त है, कह रही है अब की बार 50 नहीं 60 सीटें जीतेंगे। कितनी? 60+ जीतेंगे। 10 बढ़ गई है थोड़े दिन से। हाँ, वो छुट्टी के बाद। क्या बात है, 10 बढ़ा दी। और जिन्होंने छुट्टी कराई है वो वोट पॉइंट डालेंगे, जो हम लोग आए थे लाख सवा लाख बंदा लेके वोट डालेंगे, 80 वाले। और महाराज साहब की छुट्टी ये करना चाहते थे? नेवर। उन नौजवान बच्चों को भी गलतफहमी है, मत सोचे इन्होंने छुट्टी की है, छुट्टी इन्होंने डर के की है, प्रेशर से की है, और आप बड़े गुण लगाए उनके, नो नीड ऑफ दैट, गुण गाने की शुरू कर दीजिए। लड़ाई हमने ही शुरू की थी आज से कितने बरस पहले, कितनी दुनिया लेके आए थे, इतना बड़ी रैली ना आपको कर पाया ना कर सकेगा, जोर लगा के उसने छोटी हमारे मुकाबले की रैली करके दिखाए कोई। और रही बात इतने लोग लेके आए, जलसा किया, वो लड़ाई थी, और ये छोटी इन्होंने की है क्या? इनकी मजबूरी ने की है, नहीं करते इनको पता था हालात खराब होने, और बुरा खराब होगा। आखिरी सवाल आपसे रहेगा, जम्मू कश्मीर के अंदर जो क्राइम बढ़ रहा है, गुंडागर्दी साफ तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों की भी सामने नजर आ रही है, हाल ही में डीजी प्रिजंस जो है उनका गला रेत कर जो है हत्या कर दी जाती है, और दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी मैं उसको कंसीडर करना चाहूंगा, ये सवाल इकट्ठा मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि समय कम है, उनकी साफ तौर पर वो कार्रवाई कर रहे हैं या फिर गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये भी सब चीजें सामने नहीं आ रही है। जब किया जाता है ये कहा जाता है, पहले सुन लीजिए, कहते हैं आप दफ्तर आइए बाबर बात करिए फिर ले जाना थोड़ा के, ये साफ तौर पर अनकहना जी चीजें बोला जाती है, किसकी शैकिंग चीज? एक्चुअली क्या है कि लोग अकेले अकेले मरने सीखा हुआ है, मरना जब इकट्ठा मरना सीखेंगे कोई मारेगा नहीं इनको, कोई इनकी दुकान खाली नहीं करेगा, सीधी बात है। ये रेडियां उठाई थी, एक बार पंगा हुआ था, ये रेडियां मैंने लगवाई हुई है, ये वाली बाहर है ना लगी हुई, आई वाज मिनिस्टर, इनको यहां से गांधीनगर से उठा उठा के धक्के धुक्के मार के फिर ये पता लगा तो फिर मेरे पास आए, तो मैंने ये सारी ये लगी है सामने, आज ये भी भूल गए होंगे कैसे लगी है, लाठू लगा के बैठे हुए हैं, और कहीं उन्हें फिसल बेच बूझ के कोई दूसरे बढ़ा दिया, देख रहा हूं मैं। तो ये रेडियां इंतजाम किया जा सकता है, ऐसी बात थोड़ी है, कोई मुश्किल थोड़ी है, हर चीज का इंतजाम किया जा सकता है, माशी थोड़ी है, आप किसी के सोफे उठाओगे, हैं? दुकान के बार के सोफे उठा के अंदर डाल दें, किसी के टेबल उठा के डाल दें, किसी के सेब उठा के डाल दें, किसी के बच्चे की फुलझड़ियां उठा रहे हैं, क्या बात है यार, हद हो गई आपको, एक बुजुर्ग की तोड़ फोड़ कर दी यहां, क्या बात कर रहे हैं क्या? एक बात सुनो डोगरो, संभल जाओ बस।
फिर इनको हम संभालेंगे, जो अगर आप संभल गए ना तो इनको हम संभालेंगे जिन्होंने आपके साथ जाती की। विल सी जो चिमचागिरी कर रहे हैं ना, और सिर्फ ये लोग किसके साथ किनको तंग कर रहे हैं, एक्चुअल जहां के रहने वाले लोगों को, एक्चुअल लोगों को तंग कर रहे हैं, एक्चुअल जो लोग हैं हकीकत में यहां रहने वाले लोग हैं उनको तंग किया जा रहा है। आई नो बेटर, और ये नहीं चलेगा। इसलिए चल रहा है कि हमारे लोगों में कमजोरी है, यूनाइट होना सीख नहीं रहे, डेली बेस इसलिए मर रहे हैं, हैं किट्ठे नहीं है। कितने लोग थे वो 60,000 बोलते हैं, कहां होते हैं ये लोग, नौकरी अब होगी सारे पर क्या आ जाएंगे होने के लिए, तो या इंतजार करना है तो फिर हमारा करिए, बोर्ड डरवा देना है, लड़ाई लड़नी है तो हम खड़े हैं अपने साथ, आ जाओ कहां लड़ना है। ऐसे थोड़ी कि आपको 500 आदमी 1,000 आदमी लेके बड़ा भारी नारा लगा नहीं होगा, हमें 60,000 आप करो, मैं 1,00,000 बंदा मैं दूंगा, आओ जो हम बैठते हैं कि किस जगह बैठना, आ जाओ मुझे 60,000 चाहिए, 1,00,000 मैं प्रॉमिस करता हूं, जाएंगे वापस उस दिन, ये कहते बसें रोकनी है, क्या बात करते हैं, हम उतनी गिनती करेंगे जितने ये लोग हैं टोटल हैं। कि आखिर लोग स्ट्रांग होते हैं, गलतफहमी में है, 2008 में जब ये लोग खड़े हुए थे, हालांकि जीता कुछ नहीं, क्या जीता, मिली जगह अमरनाथ जी श्राइन को मिली, और जिन्होंने जो इसमें फंसे थे किसी का केस खत्म हुआ, अभी तक आरएस पर दो लोग केस भुगत रहे हैं, क्या किया इनका, ये इसलिए बनाते सरकारें। तो कहा जाए कि लोग यूनाइट होने चाहिए एक एक बंदे के नीचे, ऐसे थोड़ी, और एक लाइन के, एक सोच के नीचे, जो डोगरा स्वयं संगठन की सोच है, प्रॉस्पेरस जम्मू सेपरेट स्टेट आर्टिकल विद आर्टिकल 370, ये सारा मेन इशू, इससे हमारी सारी प्रॉब्लम में हल। चलो साहब, ये चीज तो लाजमी है कि आप जब भी जलसा या कहीं जाते हैं, बड़ा जलसा आप देख रहे हो, अभी भी आपकी जब भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट या फिर मीडिया जो कवर करता है, तो उसमें काफी मात्रा में लोग आपसे जुड़ते हैं और वो आपको सुनते हैं, आपको पसंद भी करते हैं। पिछली दफा भी काफी जनसलाब जो था आपके साथ समर्थन आपके साथ खड़े थे, लेकिन वो वोट बैंक में तब्दील नहीं हो पाया, निराशा हाथ लगी। इस बार क्या लगता है, इस बार क्या लगता है, काफी सपोर्ट आपको मिल सकता है, हमारी आधी बात समझ आई हो, इस बार आधी फिर पूरी हो जाएगी, है ना, आधी समझ आई होगी, कसूर तो हमारा भी बात नहीं समझा पाए पूरी, लगता है। और बाकी जितनी रीच होनी चाहिए वो इतनी पूरी रीच नहीं है, अभी भी कुछ लाके अपने अपने धर्म और जाति में फंसे हुए हैं। मैं नहीं फंसा हुआ, मैं केमवीर मैं नहीं फंसा हुआ, चलिए चलेंगे कि जो ओ रहता डोरा भदरा किश्तवाड़ में, अभी भी रूट कईयों का उधर ही है, उधर ही जलसे कर रहे हैं, कर रहे हैं ना, कश्मीर के लोगों के लिए जलसे करने के लिए जगह रखी उन्होंने। जिस दिन उनको समझ आएगी कि जलसा चौधरी लाल सिंह का होना चाहिए, इनका होना चाहिए, इंसाफ उसे मिलेगा। ये अभी लोग हैं ना, उनको रूट होता है, जैसे मिल डंड होता नहीं, वो खड खड चलता है और खड चढ़ के जंगल में चले जाता है, जंगल जंगल चलता है। कश्मीर के लोगों का रूट क्या है, लीडरों का, डोडा किश्तवाड़ भद्रवाह पुंछ राजौरी, बस लड़ाई कितनी उन्होंने डलवाई है, क्या किया उन लोगों का, भद्रवाह किश्तवाड़ डोडा में सबसे कम रोड है, मैंने करवाया जो PMGSY में, व्हेन आई वाज MP मैंने डिग्री कॉलेज दिया, 18 डिग्री कॉलेज अर्जुन सिंह साहब से दिलवाए थे मैंने, आज वो आज तक ये लोग जो चक्कर लगा रहे हैं, बल्गेरियन इटालियन और अमेरिकन सेब का पेड़ दे पाए आपको, आपकी सबसे खूबसूरत कश्मीर का किश्तवाड़ का होता केसर, वो पूरी जमीन ही मकान वाली होगी, सारी कंस्ट्रक्शन करा दी ताकि नामो निशान मिटा दो इन लोगों का, कि ताकि पुशाल वाले कल को केसर ना बेचे मसाले, कोई चार्ज नहीं करता, भद्रवाह के राजमा हमारे ठाठरी के इलाकों से पूछते तक कि कोई, मैं चौधरी लाल सिंह, ये देखो मैं चौधरी लाल सिंह बंदा कमाल का बंदा है यार, नहीं समझ आया लोगों को तो मरे, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो बोल ही सकता हूं, ये देखो GI टैग चौधरी लाल सिंह किसको लगाना चाहता है, मैं कहता DSSP जम्मू राज्य के नागरिकों को आश्वासन देता है कि पार्टी जम्मू क्षेत्र के भिन्न प्रकार का कलाड़ी अनारदाना केसर कुल्थ और पाउडर के मसाले और क्षेत्रों में पैदा होने वाले मसालों की ये टैग है। और आगे देखो नीड में बकरवाल गद्दी और किसान जिन लोगों का पहाड़ों पे बकरा और भेड़ू है ये टैग लगाने वाला, क्यों, ये 100% ऑर्गेनिक है, फॉर योर कंफर्मेशन।
इसलिए इन सारी चीजों के लिए कौन बोल रहा है, किसको पता है? इस चक्कर लगा दे वोट दो, हमें वोट दो। कुछ कश्मीरी बसे हो तो उनको कश्मीरी में कहते हैं वोट है, और उनका दूसरों को फंसा फंसू के हमारा बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इसी में सबको कहना चाहता हूं, जो कश्मीर वाला भी हमारे बगरवा डोरा किश्तवाड़ रहता है, डोगरा है, डोगरा बन के रखो। ये कश्मीरी पंडित जो आए हैं यहां कितने 150 दिन हो गया, 155 दिन हो गए वहां बैठे हुए, पिट रहे हैं इनको। वो कहते नहीं नहीं, आपको जाना पड़ेगा, आपको तो शहीद होना पड़ेगा, अल्टीमेटम निकाल, जितना आप मरोगे उतनी दिल्ली में सीटें बढ़ेंगी, मेरी बात नोट कर लेना। ये मरवाना चाहते हैं बच्चों इनको, और नहीं जाना, मेरी आपको रिक्वेस्ट है बिल्कुल नहीं जाना, खबरदार होंगे, हम आपको रखेंगे यहां। हम आपको 2 सीट इन्होंने नॉमिनेट की है, हम आपको 2 सीट लड़ने के लिए नॉमिनेट सीट नहीं देंगे। नॉमिनेट का मतलब है जिस सरकार, जिसकी पार्टी होगी सरकार जीतेगी, वो नॉमिनेट चाहे वो डिंगा होगा, त्रेडा होगा, कैसा होगा वैसा, उसको बना देंगे MLA। हम बनाएंगे, इलेक्शन लड़ेगा, 2 सीट कश्मीरी पंतों को देंगे, हम 7 POK के लोगों को देंगे जो 24 सीट वहां पड़ी हैं, है? और आर्मी के जितने लोग हैं, जितनी मुसीबतें चीफ मिनिस्टर के पास होती हैं, और चीफ मिनिस्टर उसको देखता है आर्मी वालों को, वो महकमा आर्मी का इसके पास नहीं होगा, चीफ मिनिस्टर के पास वो एक डिपार्टमेंट होगा, उसका मिनिस्टर होगा, वो कोई मेजर जनरल होगा, ब्रिगेडियर होगा, जिसको समझ होगी कि हम फौजियों के साथ कैसा इंसाफ, वो हम देंगे मिनिस्ट्री। चौधरी लाल सिंह, पहले वोट डालो फिर साहब। चलिए चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। हमारे साथ चौधरी लाल सिंह जी से बातचीत करी है, देश के गृह मंत्री का दौरा, उसके बाद जिस तरीके के चीजें सामने आ रही है, हम सबको लेकर जो है चर्चा की गई है। चर्चा में जो चीजें पूछ सकता था वो उनसे सवाल जो है वो किए हैं, खासकर डेली वेजेस के लिए एक बड़ी बात कही है, आप 60,000 लेकर आइए, मैं आपको 1,00,000 आपके साथ खड़ा करूंगा। और ये भी उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, जो चीजें हो नहीं सकती है, सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है। आपको क्या लगता है, अपने कमेंट बॉक्स में रखें, वीडियो को जैसा शेयर करें। बाकी बड़ी तमाम बहु एक्सप्रेस पर दिल ओरा के साथ शुभ मिलेंगे, बहु एक्सप्रेस के लिए जाएं।